सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी हम थोड़ा देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी देखेंगे, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सेटअप से पहले हम लोग मून को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट प्रेडिक्टिंग मार्केट। बट बिफोर दैट हम थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो नेसेसरी है, हाउ डिड एस्ट्रोलॉजी कम इनटू इवोल्यूशन, वैदिक और वेस्टर्न में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो समझ लेंगे, क्योंकि हम दोनों से सेटअप बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई दोनों को मिक्स एंड मैच करके कैसे ट्रेड निकालना है, और बहुत अच्छे ट्रेड निकलेंगे इससे। फिर पहली वाली क्लास में आज हम जोडियक साइन प्लैनेट हाउसेज एंड एस्पेक्ट्स ये सारा कंप्लीट कर डालेंगे, ठीक है? फिर ठीक है सर। हम जो मंडे को क्लास होगी उसमें चंद्रमा के बारे में समझेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, फिर कंप्लीट हम मून को समझने का प्रयास करेंगे इन आवर हॉरोस्कोप एज वेल। आप इसके बाद ये भी निकाल लोगे कि आपको किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है, सारी चीजें निकाल लोगे, कौन से सेक्टर्स में मूव आएगा, मार्केट कैसे चलेगा। लेकिन उन सब से पहले हम मून क्या है मून को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के फाउंडेशन को हम समझेंगे कि भाई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे काम करेगा, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। फोर्थ क्लास में जाके हम मून साइकिल्स और मार्केट ट्रेंड्स को कंबाइन करेंगे कि ठीक है सर। मून साइकिल्स से हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द मूव्स। ठीक है, पहले की थोड़ी बहुत केस स्टडीज हैं वो अपन ले लेंगे और मून से कोरिलेट करेंगे। फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को मून समझेंगे, डेक्लिनेशंस क्या होते हैं, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज करने हैं वो सब देख लेंगे। फिर प्रैक्टिकली क्लास सिक्स में हम सेटअप्स बनाना शुरू करेंगे, टेक्निक्स फॉर मार्केट प्रेडिक्शन, यानी हम प्रेडिक्शन शुरू करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। ओके ठीक है, सर, दिस अब वी आर नॉट कंसिडरिंग सर्वतो भद्र इन दिस कोर्स। वी विल कंसिडर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, राइट फ्रॉम ट्रांजिट टू नवमांश टू, मतलब इवन सारी चीजें नवमांश। होंगी, ओके ओके सारी सारी चीजें हम हर चीज से प्रेडिक्ट करेंगे, और कैसे दोनों को मैच करना है, मिक्स करना है, और कब कौन से वाला अपने को ट्रेड देगा वो भी अपन निकालेंगे। पर ठीक उन है सर। सबसे पहले क्योंकि निखिल बाबू और अपने सूरज भाई, ये इनको बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे कि ठीक है सर। नवमांश क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत डिटेल में अपन समझेंगे। फिर ओके सर। सर्वतोभद्र चक्र में चंद्रमा की ट्रांजिट देख के कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सारा, इसके बाद वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स पर। मतलब ये क्लास सेवेंथ में वी विल बी कंबाइनिंग बोथ द मेथड्स, और हम प्रेडिक्शन करेंगे ठीक है प्रैक्टिकली सर। और ट्रेड लेना सीखेंगे कि चंद्रमा की ट्रांजिट पे, और गॉट इट आप सर। भी साल साल भर आगे का प्रेडिक्शन निकालोगे, काफी कुछ आपके लिए भी करने के लिए रहेगा इसमें। ठीक ठीक है सर। है, तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हाँ जी सर। हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली नोन एज ज्योतिष। ज्योतिष इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ज्योति और ईश, मतलब ईश्वर ने हमको, ईश्वर की ज्योति है दैट वी आर ट्राइंग टू रीड द ओके ओके वेरियस इवेंट्स, नॉट ओनली फॉर मार्केट्स, लेकिन इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है। आप मुंडेन के थ्रू, इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, नेशनल ये आपकी स्पोर्ट्स प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो इट इज ऑल, मतलब वैदिक ज्योतिष आया वेदास से है, और उसको बोलते हैं कि वेदों की आंखें हैं ये, हाँ हाँ ओके ठीक तो बेसिकली ज्योतिष इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषि पाराशर इज नोन टू बी द फादर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पाराशर मुनि जो थे उन्होंने, ही इज बेसिकली द मतलब जिन्होंने बीपीएचएसए ने बृहत पाराशरी होरा शास्त्र लिखा, जो आज भी, मतलब अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मास्टर करना है तो यही एक ग्रंथ है जिसको आपको पढ़ना चाहिए और जिसको आपको मास्टर करना चाहिए। ठीक है, मतलब इन्होंने ये देखा कि प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस इंसान के जिंदगी में कैसे ये होते हैं,
उस पे ये बहुत उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है, पर ज्योतिष के हिसाब से दिस इज मतलब 5,000 साल पहले लिखी हुई चीज भी आज यहाँ पे बेस बनी हुई है, ओके देर इज समथिंग। दूसरे बड़े एस्ट्रोलॉजर में जो नाम आता है वो है वराह मीरा। इनका फोकस बेसिकली नक्षत्रों पे था, ओके एस्ट्रोनॉमी पे भी ज्यादा था। तो ही वॉज बॉर्न इन उज्जैन, प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर ऑफ द क्लासिकल पीरियड। इन्होंने क्या क्या लिखा, बृहत संहिता, एन एनसाइक्लोपीडिक वर्क कवरिंग एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वेदर फोरकास्टिंग, आर्किटेक्चर, मतलब ये सारे टॉपिक्स उसमें हैं। तो इसमें आप बृहत संहिता भी पढ़ सकते हो। फिर उन्होंने पंच सिद्धांत का, ये भी एक ग्रंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एस्ट्रोनॉमी को अगर डीपली रीड करना है आपको, जैसे अगर आप एस्ट्रोनॉमी को कितने अच्छे से काम करती है अगर ये देखना है, तो आप उज्जैन है, जयपुर है, यहाँ के जंतर मंतर में जाके आप जब चीजें देखोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि एस्ट्रोनॉमी से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो और उससे कैसे चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो, मानसून से लेके तो हर चीज। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुए हैं, पर अब सारे के सारे पढ़ना तो मुश्किल है। पर आपको अगर इंटरेस्ट है इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी में, तो बृहत पाराशरी होरा शास्त्र जरूर पढ़ना। ऋषि पाराशरा जो थे उन्होंने क्या किया, ही लेड द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऑथर्ड BPHS एंड इसेंशियल टेक्स्ट इन वैदिक। इन्होंने क्या किया, हाँ ये इन्होंने जो जो लिखा है वो बताया PPT में। अब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, आप में से कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ आइडिया है? सॉरी सर, वैदिक एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द मून ना, एंड वेस्टर्न इज स्लाइटली ऑन द सोलर एस्पेक्ट ऑफ आई मीन द सन एस्पेक्ट ऑफ द यस यस, द हीलियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक या व्यू जो यूज करते हैं, वेरी गुड। बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसे हमने देखा इवॉल्व फ्रॉम वेदास, बेस ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज साइकोलॉजी एंड प्लैनेटरी ट्रांजिट। बेसिकली कैलकुलेशन का बहुत फर्क है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलोज निरायण पद्धति और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो सायन पद्धति। अब सायन पद्धति क्या होती है? सायन पद्धति बेसिकली इज फिक्स्ड कैलकुलेशन। ओके ठीक है, सायन पद्धति में फिक्स कैलकुलेशन है, और नारायण पद्धति जो है उसमें कैलकुलेशन बहुत सटीक है। अब आप देखोगे जब हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के किसी सॉफ्टवेयर में आप प्लैनेट्स डालोगे, तो उनके इसमें हमेशा एक राशि आगे बढ़ के प्लैनेट आएगा। ओके जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि जहां पे अभी प्रैक्टिकली प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं हाँ वहीं आएगा। आप अगर टेलीस्कोप लेके देखोगे तो, क्योंकि तो प्लैनेट उसी राशि से जा रहा होगा जोडियक के जहां ओके पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर बता रहा है। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू विद द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। रीजन बीइंग जो निरायण पद्धति है बेसिकली मतलब स्टार्टिंग ऑफ मतलब बहुत पहले की बात है, जब कलयुग शायद शुरू हुआ होगा तब की बात है, कि दोनों के कैलकुलेशन एकदम सेम थे। पर निरायण पद्धति में क्या हुआ कि मतलब एवरी 72 ईयर्स 1 डिग्री का फर्क आते गया, और तब से आते आते अभी तक लगभग 25 से 26 डिग्री का फर्क है। आप ओके इफ यू सी सैटर्न ट्रांजिटिंग इन आज की तारीख में, सैटर्न अगर ट्रांजिट कर रहे हैं एक्वेरियस में, तो हाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर विल शो यू सैटर्न इज इन पाइसिस, अगली राशि में। ठीक है, ओके तो वो कैलकुलेशन का बेसिक डिफरेंस है। थोड़ा सर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी समझने को भी डिफिकल्ट है. मैंने ट्राई करी थी हाँ थ्रू बुक्स तो मेरे को समझ नहीं आया था. मतलब दैट आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक व्हेन आई वाज लर्निंग फिबोनाची. हाँ तो उसमें काफी मतलब एक दो राइटर्स हैं देवर यू नो दे हैड बेस्ड फिबोनाची ऑन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बट वो हाँ समझ में नहीं आया मेरे को.
नहीं हो सकता है, अभी अपन उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी हम प्रेडिक्शन करेंगे इसको में, तो दोनों को मैच करेंगे। रीजन बीइंग उनकी तरफ से भी ऐसा नहीं है कि गलत प्रेडिक्शन होते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, उसके भी प्रेडिक्शन, नहीं अगली बट हाँ उसको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सॉफ्टवेयर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो ओके भी थोड़ी उनकी मुश्किल है। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे सोलर फायर वगैरह, वो मिल नहीं पाते, खरीदने पड़ते हैं। बट आई अच्छा हैव फाउंड सम सॉल्यूशंस जिस पे हम काम करके और दोनों सॉफ्टवेयर का यूज करके प्रेडिक्शन करेंगे। फिर ओके उनके और हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ट्स में फर्क रहता है। हमारा बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन नक्षत्रास। हमारा इतना एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि अब राशियां नक्षत्र आपको पता है, तो आपको मैं यही बता देता हूँ कि भाई क्यों ऐसा है। राशियां दोनों में 12 है, ठीक है, नाम भी वही है राशियों में, लेकिन अपनी राशियों में नक्षत्र है, फिक्स्ड कॉन्स्टिलेशंस हैं जिसमें से प्लैनेट्स पास करते हैं, और वो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं वो प्रैक्टिकली जहां आज की तारीख में प्लैनेट होना चाहिए वहीं ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत एक्यूरेसी से वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। फिर हीलियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक व्यू। हीलियोसेंट्रिक व्यू क्या होता है? निखिल भाऊ कुछ याद है क्या? नहीं, मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सुरेश भाई शायद उसमें एक चार्ट चार्ट फॉर्मेशन होता है, बीच में होता है मून या सन और उसके आसपास स्टार्स होते हैं। हाँ, वेरी गुड प्रणव जी, आप ट्राई करेंगे? आई एम नॉट श्योर सर एक्चुअली मेरे को मैं वो याद नहीं आ पा रहा मेरे को देखिए, हीलियोसेंट्रिक व्यू इज बेसिकली व्हेन सन इज इन बिटवीन, सूर्य बीच में है और सारे प्लैनेट सूर्य के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, तो हम सूर्य की दृष्टि से देख रहे हैं। अरे और हाँ जियोसेंट्रिक इज व्हेन वी कंसीडर अर्थ इन द सेंटर यस, एंड ओके व्हाई जियोसेंट्रिक व्यू इज गुड और फॉर मी, बिकॉज आई एम लोकेटेड एट अर्थ, हम अर्थ पे हैं, तो हमें अर्थ की दृष्टि से देखना पड़ेंगे बाकी प्लैनेट्स, ओके राइट। गॉट बाकी इट प्लैनेट तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जनरली जियोसेंट्रिक व्यू यूज होता है। अब उन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली दे डोंट हैव नक्षत्रास, मतलब उनके इसमें ऐसे फिक्स्ड नक्षत्रास नहीं, वो एक बहुत फर्क पड़ जाता है। प्लैनेट्स में वी हैव सन, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। उनके इसमें राहु केतु, कुछ कुछ लोग नॉर्थ नोड साउथ नोड बोलते हैं, बट नॉट एवरीबडी फॉलोज राहु एंड केतु को नहीं कंसिडर करते। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो नहीं लिया जाता, ठीक है, पर उनके उसमें लिया जाता है। फिर एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि बेसिकली सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बेस पे भी प्रेडिक्शन किया जाता है, तो दे फॉलो दैट मेथड एज वेल। सो बोथ मेथड्स हैव देयर ओन बेनिफिट, बट स्टिल वैदिक एस्ट्रोलॉजी हैज गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड एक्यूरेसी, ठीक है। इसलिए हमारा मेन फोकस जो है वो वैदिक पे ज्यादा रहेगा। कुछ डाउट, कुछ ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो या समझना हो? अभी तक तो नहीं, ठीक क्लियर हो। अब हमारा शुरू होता है इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी में। व्हाट इज स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी एक ओशियन है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज एन ओशियन। आप अगर देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी से आप नेटल हॉरोस्कोप यानी एक इंडिविजुअल की लाइफ प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से नेचुरल कैलेमिटीज, चुनाव कौन जीतेगा ये बता सकते हो, वैसे ही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से आप किसी के फाइनेंसेस पढ़ सकते हो, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी जो आजकल प्रिवेल कर रहा है। आजकल
ट्रेंड में है, क्योंकि बहुत सारे लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं। रीजन क्या है, इतना एक्यूरेट क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है दैट रीड्स द साइकल्स, मार्केट के साइकल्स, प्लस मास साइकोलॉजी रीड करती है। डिसीजन मेकिंग पे जो फर्क पड़ता है प्लेनेटरी मूवमेंट्स का, उसका हम लोग रीडिंग करके और ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आज अगर आप एल्गो सिस्टम भी ट्रेड करोगे तो एल्गो सिस्टम इज ऑल्सो प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग कि ये कंडीशन मीट होगी तो भाई ये करना सिस्टम को। तो इट इज ऑल अगेन डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन साइकोलॉजी, और वो साइकिल्स मैच करती हैं, और इसलिए इतने एक्यूरेसी से रिवर्सल्स आते हैं और आप ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हो आगे का। ठीक है, नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ जोडियक। जोडियक क्या है? ये ऐसा गोल बैंड है, एक 8 या 9 डिग्री का है ये, जिसके बीच में सारे नक्षत्र हैं, ये सारे कॉन्स्टिलेशन है स्टार के जो आप देख रहे हैं। ओके ठीक है, और इन्हीं के बीच में से सारे प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं। हीलियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक व्यू हमने अभी देखा कि सन जब बीच में है और सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं आसपास, हीलियोसेंट्रिक व्यू, जियोसेंट्रिक जब अर्थ बीच में है और बाकी के प्लैनेट्स अराउंड देम घूम रहे हैं। ठीक है, और ये वो चार्ट है जिसमें हम जिसको हम यूज करेंगे एज ए जोडियक। इसके अलावा और कोई भी चार्ट देखा होगा आप लोगों ने, सॉरी सर, और कोई टाइप का चार्ट देखा है? सर वो जो बनाते हैं हमारे उसमें क्या बोलते हैं, ऐसा वाला कुछ हाँ हाँ डायमंड पर्टिकुलर डायमंड वाला, दिस इज नॉर्थ इंडियन चार्ट, नॉर्थ इंडिया। दिस इज बेसिकली नॉर्थ इंडियन चार्ट, दिस इज साउथ इंडियन चार्ट। होता क्या है, जब भी कोई राशि ईस्ट साइड में उदय हो रही होती है तो उस टाइम पे जो राशि होती है वो पहले नंबर पे आ जाती है। ठीक है, जैसे ये जो टाइम है जो भी अभी का इसमें लिखा हुआ, इस टाइम पे सबसे पहले नंबर पे यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, तो दिस इज जेमिनाई। ये जेमिनाई यानी मिथुन राशि उदय हो रही थी, दैट इज जेमिनाई राशि वॉज राइजिंग इन द ईस्ट, सो ओके दिस इज इन द फर्स्ट हाउस, ये हाउस पहला है। ठीक है, पर राशि तीसरी है। अभी अपन हाउसेस और वो भी समझेंगे, बट ये जो ए एस लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली असेंडेंट। जब आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो दिस विल चेंज, ये देखो एवरी 2 आवर्स यू विल गेट अ न्यू असेंडेंट। यहाँ पे पांचवी राशि आ गई, मतलब सिंह राशि, तो ये यहाँ पे चेंज होते हैं। पर अगर मैं इसको साउथ इंडियन कर दूं तो ये चेंज नहीं होगा। साउथ इंडियन में यहां से एरीज राशि है तो ये एरीज राशि यहीं रहेगी, असेंडेंट विल मूव इन द ओके अलग अलग राशिज। जैसे अभी ये लियो असेंडेंट है तो लियो में यहाँ आ गई, पर वो बॉक्सेस फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें प्रेडिक्शन थोड़ा इजी हो जाता है, तो हम साउथ इंडियन चार्ट यूज करें। क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस? हाँ सर तो ये 12 बॉक्सेस हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, 12 राशियां हैं। हिंदी में नाम याद है क्या? नहीं सर, नहीं पूरे नेम्स नहीं है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, याद हो जाएंगे। होता एवरी राशि इज ऑफ 30 डिग्रीज, क्योंकि ये सर्कल है, हमने देखा दिस इज अ ब्रॉड बैंड इन द स्काई, सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 360 डिग्रीज, तो 12 राशिज हैं तो 12 3 36, 360 डिग्रीज का सर्कल पूरा हुआ। 0 से 30 डिग्री पे एरीज है, 30 से 60 टॉरस है, 60 से 90 जेमिनाई है एंड सो ऑन, 330 से 360 पाइसिस है।
इजी है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कौन कौन से हम कंसिडर करेंगे? सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वी विल कंसिडर देम। ठीक है। एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट एक राशि में कुछ समय बिताता है। जैसे सूर्य 30 दिन एक राशि में रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन, मार्स 45 डेज, मर्क्यूरी 30 डेज, जुपिटर 12 मंथ्स, वीनस 1 मंथ, सैटर्न 30 मंथ्स, ठीक है, राहु एंड केतु 18 मंथ्स, यूरेनस 7 ईयर्स, नेपच्यून 14 ईयर्स एंड प्लूटो 21 ईयर्स। इस तरीके के ये टाइम बिताते हैं। मतलब अगर एरीज में सन है तो कितने दिन रहेंगे वो? 30 डेज, 30 डेज। ग्रेट। चंद्रमा है तो 2 दिन, ढाई सवा दिन, दो सवा दिन, दो दिन, सवा सवा दो दो दिन। दिन अब हर प्लैनेट के पास एक रूलरशिप है, जहां पे उसकी खुद की राशि होती है प्लैनेट की। सन एंड मून एक राशि को रूल करते हैं, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न दो दो राशियों को रूल करते हैं। सन रूल्स लियो यानी सिंह राशि, चंद्रमा रूल करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, मार्स एरीज एंड स्कॉर्पियो, मर्क्यूरी मिथुन और कन्या, जुपिटर सेजिटेरियस एंड पाइसिस मतलब धनु और मीन, वीनस टॉरस एंड लिब्रा वृषभ और तुला, सैटर्न कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। ये पीडीएफ दूंगा आप लोगों को मैं, आप आराम से याद करना है सब, अगर नहीं है तो। फिर कंबशन क्या होता है? जब भी प्लैनेट सूर्य के बहुत नजदीक आ जाए तो उसे कहा जाता है कि प्लैनेट कंबस्ट हो गया, यानी वो सन की लाइट में, हीट में इतना दब जाता है कि प्लैनेट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड इट्स ओन रिजल्ट्स। ठीक है। और उससे उसकी पावर कम हो जाती है। हर प्लैनेट की एक स्पेसिफिक डिग्री होती है जो सूर्य के कितने नजदीक आने पे वो कंबस्ट होगा। चंद्रमा कंबस्ट होते हैं 12 डिग्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द सन। आइदर साइड ऑफ द सन मतलब या तो सन के आगे हो या पीछे हो, लेकिन अगर 12 डिग्रीज के अंदर हैं तो कंबस्ट माने जाएंगे। मार्स 17 डिग्रीज, मर्क्यूरी 14 डिग्रीज, जुपिटर 11 डिग्रीज, वीनस 10 और सैटर्न 15 डिग्रीज। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड आपको सॉफ्टवेयर दिखा देगा कौन सा प्लैनेट कंबस्ट है, पर नॉलेज के लिए अपने को पता होना चाहिए। रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन इज बेसिकली जब भी प्लैनेट वक्री होते हैं, वक्री इज रेट्रोग्रेड, उल्टी। ऑल द प्लैनेट्स मूव इन द जोडियक इन क्लॉकवाइज मोशन, मतलब एरीज से टॉरस, टॉरस से जेमिनाई, जेमिनाई से कैंसर, फिर लियो, वर्गो। लेकिन अगर प्लैनेट एरीज से पाइसिस में जा रहे हैं या पाइसिस से एक्वेरियस में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो वो वक्री स्थिति कही जाती है प्लैनेट। ठीक है। वो सारे प्लैनेट मूव करते हैं इसमें रेट्रोग्रेड, हाँ, सन एंड मून नेवर गेट रेट्रोग्रेड, सन न सिर्फ सन और मून, ओके okay. राहु एंड केतु आर नेवर डायरेक्ट, दे आर ऑलवेज रेट्रोग्रेड। मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, दे गेट एंड वीनस आल्सो, दे गेट रेट्रोग्रेड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। रेट्रोग्रेड बेसिकली होते इसलिए हैं क्योंकि उनकी स्पीड में चेंज आता है। जब भी सूर्य के काफी नजदीक या दूरी पे जाएंगे तो स्पीड में बदलाव आता है और वो धरती से ऐसा दिखता है कि प्लैनेट इज मूविंग बैकवर्ड्स। एग्जोल्टेशन एंड डेबिलिटेशन मतलब उच्च की राशि, नीच की राशि बोली जाती है हिंदी में। एग्जोल्टेशन इज द प्लेस जहां पे सबसे हाईएस्ट, हैप्पीएस्ट जगह है प्लैनेट की और अपने पूरे रिजल्ट देता है प्लैनेट। डेबिलिटेशन है ना जहां प्लैनेट
जो है जबरदस्ती गया है ऐसे, मतलब प्लैनेट इज नॉट हैप्पी देयर एंड प्लैनेट इज नॉट गिविंग कंप्लीट रिजल्ट्स, ठीक है, अपने रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं दे पाए। जैसे अगर आपको बीच पे जाना पसंद है और आपको पहाड़ों में भेज दिया जाए कि भाई आपका ऑफिस पहाड़ों में, और आपको पहाड़ बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप वहां जाके अनिच्छा से काम करोगे, इसी तरीके से कुछ, ठीक है, क्लियर हो रहा है? मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं सर, नहीं, क्लियर है। तो सूर्य जो है एरीज में 10 डिग्री पे एग्जॉल्टेड होते हैं, लिब्रा में 10 डिग्री पे डेबिलिटेटेड। जहां भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड होगा उससे 7th राशि में डेबिलिटेटेड होगा, ठीक है। 7th राशि कैसे गिननी है वो भी बता देता हूं आपको। ये एरीज है, अगर हमको यहां से गिनना है तो एरीज विल बी द फर्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये 7वीं राशि कौन सी आ गई? लिब्रा। क्लियर है? प्रणव जी क्लियर है? हाँ, क्लियर, ये हाँ, लिब्रा में आएगी तो डिबिलिटेशन होगा ना उसका। अच्छा, डेबिलिटेशन होगा। ये उच्च की राशि है या नीच की राशि है सूर्य के लिए? ओके। मतलब सन इज हैप्पी हियर, सन इज नॉट सो मच हैप्पी हियर। सेम, अब टॉरस में चंद्रमा उच्च के होते हैं, टॉरस एग्जॉल्टेशन की साइन है, तो डेबिलिटेशन की साइन कौन सी होगी सूरज भाई? स्कॉर्पियो, सातवां। वेरी गुड। और एक्वेरियस से 7th राशि कौन सी पड़ेगी? लियो। क्लियर है प्रणव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सैजिटेरियस से 7th राशि, सॉरी सर, सैजिटेरियस से 7th राशि कौन सी है? ग्रेट। जेमिनाई सर। तो क्लियर है आपको। अब ये स्पेसिफिक डिग्रीज लिखी हैं। अब स्पेसिफिक डिग्रीज का ये मतलब नहीं है, पूरी एग्जॉल्टेशन की ही राशि होती है। मतलब अगर सन एरीज में है तो एग्जॉल्टेड ही माने जाएंगे, बट 10 डिग्रीज इज द पीक ऑफ एग्जॉल्टेशन, ओके। इसलिए ये अलग अलग डिग्रीज लिखी है। अब मार्स कैप्रिकॉन में होते हैं, मर्क्यूरी वर्गो में, जुपिटर कैंसर में, वीनस पाइसिस में, सैटर्न लिब्रा में, राहु टॉरस में, स्कॉर्पियो में, केतु। अब हर प्लैनेट जहां भी बैठते हैं वहां से दूसरे प्लैनेट को देखते हैं, दूसरे घर को देखते हैं, नॉट प्लैनेट सॉरी। हर किसी की 7वीं दृष्टि होती है, यानी जहां भी सन बैठे हैं वहां से 7th एस्पेक्ट रहेगा ही, वो 7वीं दृष्टि रहेगी। मून की भी 7वीं, मार्स जुपिटर सैटर्न राहु एंड केतु, इनको दो दो दृष्टियां एक्स्ट्रा है। मार्स को 4, 7 एंड 8, जुपिटर 5, 7 एंड 9, सैटर्न 3, 7 एंड 10, राहु एंड केतु ऑल्सो 5, 7 एंड 9। मतलब क्या, 7th हाउस में तो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, मार्स का इफेक्ट 4th हाउस में भी रहेगा, 7th में भी रहेगा, 8th में भी रहेगा। जुपिटर का कहाँ पे इफेक्ट रहेगा, कौन कौन से हाउसेस में? ग्रेट। 579। इसमें कुछ डाउट? नो सर। दिस इज द फ्रेंडशिप टेबल। जैसे इंसानों में होता है वैसे ही प्लैनेट्स की भी फ्रेंडशिप होती है, या तो फ्रेंड होंगे या एनिमी होंगे, या फिर ना फ्रेंड ना एनिमी, इक्वल। तो सन इज बेसिकली फ्रेंड फॉर मून, मतलब सन के जो मित्र हैं वो हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु बृहस्पति, इक्वल है मर्क्यूरी, और एनिमी है वीनस एंड सैटर्न, ठीक है। मून के लिए सन एंड मर्क्यूरी आर फ्रेंड, और मार्स जुपिटर वीनस सैटर्न आर इक्वल, और एनिमी कोई नहीं है। और मार्स जो है उनके लिए सन मून जुपिटर अगेन फ्रेंड, वीनस एंड सैटर्न इक्वल, एंड मर्क्यूरी एनिमी। अब मर्क्यूरी के लिए देखो, अब देखो इसमें कैसा है,
मर्क्यूरी के लिए मून इज एनिमी, बट मून कंसिडर्स मर्क्यूरी एज फ्रेंड। तो ये हो सकता है ना यार कि मैं आपको फ्रेंड मान रहा हूँ और आप मुझे एनिमी मान रहे हो, या इक्वल मान रहे हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो इस तरीके से ये बेसिक फ्रेंडशिप टेबल है, लेकिन इसमें और भी अलग से फ्रेंडशिप आती है, तत्कालिक मैत्री और तत्कालिक शत्रुता, उसकी अगर आवश्यकता होगी तो हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। अब जुपिटर के मित्र कौन है? सन, मून, मार्स, इक्वल सैटर्न, मर्क्यूरी एंड वीनस आर एनिमी। वीनस के लिए मर्क्यूरी एंड सैटर्न आर फ्रेंड, मार्स है, तो ये इस हिसाब से आप देख लीजिएगा पूरा टेबल। ठीक है, इसका प्रेडिक्शन में हमारे पास ज्यादा यूज नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ द मून। हमारे पिछले कोर्स में भी मैंने आपको बताया होगा कि प्लैनेटरी स्ट्रेंथ, डिग्रीकल स्ट्रेंथ जो होती है प्लैनेट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्लैनेट 0 से 6 डिग्री के बीच है तो 25% रिजल्ट मिलेगा, 7 से 12 के बीच है तो वो 50% रिजल्ट मिलेगा, 13 से 18 के बीच है मतलब सुपर बढ़िया मूव मिलेगा, और 18 से 24 में अगेन 50%, एंड 24 से 30 में 25%। अब इसमें एक कुछ वेरिएशन है, जैसे चंद्रमा 3 डिग्रीज पे उच्च के होते हैं टॉरस में, राइट? पर तो चंद्रमा अगर टॉरस में 3 डिग्री पे होंगे तो चंद्रमा विल प्रोवाइड फुल रिजल्ट्स जस्ट लाइक 100%, क्योंकि मून इज इन एग्जॉल्टेशन, मून इज वेरी वेरी हैप्पी देयर। ठीक है, हाँ जी सर। बाकी प्लैनेट्स के लिए भी सेम वैसे ही, जैसे वीनस 27 डिग्री स्पाइसिस में फुल रिजल्ट देंगे, 25% नहीं देंगे, एग्जॉल्टेशन में अगर है तो फुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये राशि ट्रेंड है, और आप लोगों के लिए एक्टिविटी भी आ गई है, पहले भी अगर आपने कोर्स किया है तो ये वाली एक्टिविटी तो बेसिक है, जिससे आप सॉफ्टवेयर से वेल वर्स्ड हो जाओ कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। राशि का नाम लिखा है, उसके आगे राशि का नेचर लिखा है, और प्रोबेबल मार्केट ट्रेंड है। हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें सिर्फ ट्रेंड प्रेडिक्ट करना है, उसके बेस पे अभी ट्रेड नहीं करना है, इसके बेस पे हम आगे भी ट्रेड करने वाले नहीं, पर ये प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ। ओके। एरीज इज बेसिकली फियरी साइन, जेमिनाई इज हाँ, और लियो इज आल्सो फियरी साइन, और सेजिटेरियस भी अग्नि तत्व। तो तीनों अग्नि तत्व जो हैं वो बुलिश है, अर्थली बुलिश स्लो एंड ग्रेजुअल टॉरस, ठीक है, वर्गो मॉडरेट स्टेडी फॉल, मतलब मॉडरेट मूव मिलेगा, इसमें फॉल मिलेगा उसमें राइज मिलेगा। लिब्रा इज एरी, एरी राशि में हमेशा बियरिश सेल ऑन राइज विथ फास्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन है ना, पुल बैक भी आएगा। ठीक है, ओके। स्कॉर्पियो में एक वॉटरी राशि है जिसमें बुलिश मूव मिलता है, बाकी दोनों वॉटरी राशि में हमें बियरिश मूव मिलेगा। ठीक है, इसमें बुलिश रेंज बाउंड टू अप टाइप में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जगन्नाथ होरा आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है क्या? हाँ जी। हाँ जी, बहुत, ये ऐसा आपने बना लिया है इसको, मतलब ऐसा ही दिख रहा है आपके इसमें भी? ठीक हाँ, बाबा सही दिख रहा है, मेरे इसमें सही दिख रहा है, एडिट में जाना, बर्थ डेटा में जाना, क्या तारीख है आज? क्या है। आज 4 तारीख, 4 जुलाई। 4 जुलाई, 4 जुलाई 19 2024। मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 बजेगा, तो हम 9:15 का टाइम डालेंगे।
इसको हम अननोन कर दो और सिटी का नाम डाल दो मुंबई। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्लिक करेंगे, मुंबई आ जाएगा, ओके कर दीजिएगा। ये आज की प्लेनेटरी पोजीशन थी। इसमें आपको क्या देखना है, सिर्फ चंद्रमा देखना है। चंद्रमा कौन सी राशि में है, यहाँ से व्यूज भी चेंज कर सकते हो आप। ये हटा देता हूँ मैं, बहुत सारी चीजें नहीं आई नहीं मतलब। चंद्रमा आज कौन सी राशि में बताओगे मुझे, क्या टॉरस। मूव होना चाहिए था अकॉर्डिंग थ्योरिटिकल ट्रेंड? टॉरस मॉडरेट बेरिश। में मैं बुलिश, पुलिस स्लो ओके एंड ग्रेजुअल। तो आज क्या रहा, गैप अप ओपन हो गया। आज गैप अप ओपन हुआ और स्लो एंड ग्रेजुअल है, तो वही छोटी सी एक कैंडल बन गई। अब ये नीचे क्यों आया, ये हम जब प्रेडिक्ट करेंगे तो समझ में आएगा हमें कि भाई ये नीचे क्यों आया है। ठीक है, लेकिन राशि ट्रेंड के हिसाब से हमें देखना है कि आज काम नहीं किया। कल चंद्रमा कौन सी राशि में थे, एरीज। कल भी चंद्रमा इसी में थे, 2.5 दिन रहते हैं ना, हाँ सॉरी सॉरी। 12 डिग्री टॉरस। तो बुलिश, स्लो एंड ग्रेजुअल। तो ये बुलिश, स्लो एंड ग्रेजुअल था क्या, काइंड काइंड ऑफ ऑफ रेंज बाउंड टू अप टाइप? देन अगेन ये एक बुल रन चल रहा है, लेकिन इसमें कैंडल जो है स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो बुलिश एंड बेयरिश बनती जा रही है, राइट? 2.25, इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा अगर एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं तो 2.25 दिन तो ट्रेंड सेम नहीं रहता है। अगर आप सिर्फ राशि को देख के और जो मैंने आपको थ्योरिटिकल ट्रेंड बताया वो देख के ट्रेड करोगे तो सिर्फ 50-60% की एक्यूरेसी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इसलिए वी हैव टू डिग डीपर एंड वी हैव टू गो टू द नक्षत्रास। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, आज पहला दिन है इसलिए। नॉट ऑल्सो दिस इज नक्षत्र जोडियक, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अश्विनी, अब यहाँ एरीज से शुरू होती है जोडियक। एरीज है ना मेष राशि, मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी कौन रूल करते हैं, केतु। भरणी को रूल करते हैं वीनस और कृतिका के रूलर हैं सन। तो अश्विनी के 4 पद, भरणी के 4 पद और कृतिका का एक, यानी एक राशि में 9 पद आपके आते हैं, 9 चरण। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पूरे पूरे नक्षत्र आ गए और 1 चरण यहाँ आ गया, बचे हुए 3 चरण कृतिका नक्षत्र। चरण और पद एक ही बात है। कृतिका हाँ जी सर। नक्षत्र के 3 पद कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गए, टॉरस में। टॉरस में कैरी फॉरवर्ड हो गए कृतिका के 0 से 10 डिग्रीज के बीच। फिर रोहिणी मृगशिरा है, मृगशिरा का बचा हुआ पार्ट आ गया जेमिनाई में, आर्द्रा का, और फिर पुनर्वसु। ऐसा कहाँ तक चलेगा, अश्लेषा तक, दैट इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। ये केतु से लेके मर्क्यूरी तक का जो सीक्वेंस है दैट इज नोन एज विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस। ओके ठीक है, हमेशा जो आपकी दशा चालू होती है किसी की भी, महादशा, अंतर्दशा, ये इसी सीक्वेंस में होती है। ओके केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी, फिर से वापस से केतु की आ जाएगी महादशा। तो उसी सीक्वेंस में सारे के सारे नक्षत्र भी हैं।
इसीलिए विषुवत्तरी दशा को नक्षत्र दशा भी कहा जाता है। और ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलेगा आपको दशा सिस्टम। और अगर आपको आपका फेवरेबल टाइम पीरियड जानना हो, ये करना हो, तो आप यू हैव टू सी द दशा। अगर आपके योग कारक प्लैनेट की महादशा चल रही है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। योग कारक की नहीं चल रही है, कि प्रतिकूल रिजल्ट मिल रहे हैं, तो फिर आपको उसके हिसाब से कुछ रेमेडीज या चेंज करना रहता है, ठीक है, जिससे मतलब सावधानी आप बरत सकते हो इन दैट वे, कि भाई आपको मार्केट में ही ट्रेड करना है तो यू शुड रिड्यूस योर एक्सपोजर, अगर आपके योग कारक प्लेनेट की महादशा नहीं है तो। योग कारक की है तो बहुत सारा आप मतलब बढ़िया एक्सपोजर से काम करो, लेकिन उसके लिए आपको पहले वो सब सीखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन से प्लेनेट अच्छे हैं आपके जोड़िया के हिसाब से। तो वो एक अलग टॉपिक है जिसको अपन कवर करेंगे, पर नक्षत्र को आपको याद करना है। ये नक्षत्र जोड़िया का आपके पास आएगा तो ये सारे के सारे नक्षत्रों के नाम आपको याद करने हैं। हाँ जी सर, सबसे आखिरी कौन सा है? रेवती नक्षत्र, मर्क्यूरी द्वारा जो रूल है रूल किया जाता है, और पाइसिस में ऐसे 360 डिग्री पूरा होता है। पूरे नक्षत्र बोलने की आवश्यकता तो नहीं है मुझे कि ना सर। नक्षत्र क्लियर नहीं, हो रहा है जोडियक से। हाँ जी सर, एक साइकिल ये है, दूसरी साइकिल यहाँ खत्म होगी, तीसरी साइकिल यहाँ खत्म, ठीक है। हाँ जी सर, आपके लिए टास्क है नक्षत्रों के नाम याद करना है, उनके रूलर के नाम याद करना, उसके बाद हम आगे आएंगे सर्वोत्तभद्र चक्र या जो भी हमारा अगला टॉपिक है उस पर नक्षत्रों, ये बेसिक हमें नक्षत्रों के नाम तक याद करना है। अब हम करेंगे मंडे को क्लास, तब तक आपको ये लोग, मैं टाइम भी इसीलिए दे रहा हूँ कि आप इसको पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करके आराम से याद कर लो ये जो बेसिक चीजें हैं, फिर हम अगली क्लास में बाकी की चीजें कवर करेंगे, ठीक है। भाउ मंडे को ट्यूसडे कर अंडरस्टैंड सकते करना हैं शुरू क्या? करेंगे। हाँ अपन लोग क्लास जो है वो ट्यूसडे कर सकते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे अगर ओके हो तो। यार, एक्चुअल में अभी एक बैच चल रही है जिसमें ट्यूसडे को क्लास चलती है, मंडे कुछ इशू है क्या? नहीं मंडे फिर 9 बजे करें चलेगा क्या? ये 8:30 बजे तक प्रणव जी, सूरज भाई, चलेगा? हाँ कोई मैं दिक्कत नहीं है, बोल रहा चलेगा हूँ 8:30 बजे तक 9 बजे कर लेते हैं, 8:30 बजे तक। भी हाँ चलेगा, क्योंकि क्या मेरे को ड्राइव करके आना पड़ता है, काफी दूर पड़ता है इसलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक चलेगा, कोई इशू नहीं है, 8:30 बजे अपन कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 9 बजे है तो फिर थकान हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन 8:30 से शुरू करेंगे। और अगली क्लास में हम, अब चूंकि ये कोर्स में अपन चंद्रमा के बेस पे अपन प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो चंद्रमा को समझेंगे, पर उससे पहले मेरी इच्छा है कि आप लोग ये कंप्लीट करके रखो, ठीक ठीक है? है सर, थैंक ओके देन, लेट्स यू कनेक्ट सर, ऑन मंडे, बाय फॉर नाउ, बाय सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स, सी ओके यू, ओके प्रतिम भाई। थैंक यू।